राजेंद्र सर और हम सब अननोन आदमी थे, तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति अगर जुड़ा रहे और उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको लगता है किसी न किसी प्रकार से तो अजय सर समझाते जाते थे, तो समझ में नहीं आती थी क्योंकि हम उसके बारे में जानते के बाद हमारा ही टारगेट था। तो सर किसी भी प्रकार से हमको कन्विंस करने का काम करते थे लेकिन समझ में नहीं आते थे। उस समय हम पढ़ाते ही थे, पढ़ाते से एक दिन क्या हुआ सर हमारे रूम पे चले गए और उस समय आईडी जो लगाया जाता था कागज के द्वारा लगाया आधार कार्ड और थंब के माध्यम से, तो उस समय जिसका आईडी लगता था उसका थंब भी होना। तो सर हमारे घर गए तो अब चल आए तो हम क्या करें, अब सर बोले क्या आईडी लगाना, अब इस कोचिंग में पढ़ा रहे तो ऐसा लगा था अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है बोलेंगे कि कल से कोचिंग ये मत आइए। तो ये भी डर लग रहा था, हम बोले लगा लीजिए और उससे जस्ट आईडी लगाने की मतलब जब घर आए थे तो उसी समय हम लगभग 1-2 हजार का सामान ऑलरेडी मार्केट से खरीद चुके थे। जब सर आए तो बोले कि आईडी लग गया आपका, 1 हजार का सामान खरीद लीजिए। तो किसी ना प्रकार से मतलब जुगाड़ करके 1 हजार मांग के हम सामान खरीद लिए। सामान खरीदने के बाद ऐसा लगा कि हम लाखों का सामान खरीद लिया। इसके बाद हमको पता भी नहीं, नाम नहीं बुला गया आरसीएम भी होता। 6 महीना तक हम सामान नहीं खरीदे, मेरा कोड हो गया टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, कोई मतलब दूर दूर तक एकदम दिख ही नहीं रहा था। इसके बाद सर भी मतलब आईडी लगा के मतलब सर खरीदते थे लेकिन इस बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं किए थे, हम तो फोकस ही नहीं करते थे और बस जुड़ के जब ऑफिस में बैठते थे 10% टाप पर जा गया, 20% टाप पर मतलब जैसे वो बोलते थे दूर हट जाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया और उस समय मीटिंग होने जा रहा था दिनेश चौधरी का जो 23 अक्टूबर 2018 को ये टाउन हॉल में, तो उस समय हरेंद्र सर हमको बोले कि आपको भी मीटिंग में आना है, 100 रुपया टिकट लगता है और जो लोग आएंगे उसको भी ले जाइएगा। हम बोले ठीक है सर, और सर का भी बात माना जाए चूंकि सर हमारे हमसे पढ़े भी है और कोचिंग में भी है तो हम तो चले गए। 100 रुपया तो हमारा बुक किए हुए थे और लेकिन जो 2 लोगों के लेके गए थे वो बोलता हम पैसा नहीं देंगे, पैसा देगा तो हम भाग जाएंगे। उसका बिजनेस खमी लिए और 100 रुपया दे के 300 रुपया दे के आराम से टाउन हॉल में बैठ गया और वो तो व्यक्ति थोड़ा समय रहा वो भाग गया, मैं तो 200 रुपया डूब गया खड़े खड़े। और जब दिनेश चौधरी आए तो उनका मीटिंग जब सुने तो स्टार्टिंग में उनका सबसे पहले मोटिवेशन पावर और साथ में वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं वो बताए कि जिस सिस्टम में आप अगर हो, जिस काम को अगर आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमें 5 साल तक भी उस काम करने से हम अगर बदल सकते हैं तो आज से ज्वाइन मत कीजिए। आज अगर हम स्कूल पढ़ा रहे हैं प्राइवेट, अगर हमको लगता है कि 5 साल के बाद उसी स्कूल से पढ़ाते पढ़ाते हम शेखपुरा में घर बना लेंगे, हम अपना कैरियर को बना लेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो हम आज से नहीं करते। लेकिन हमें दूर दूर तक पता नहीं चलता कि हमें इससे कुछ होना जाना है। इस बिजनेस में हम इसीलिए आए, इसमें साथ में हमारा सिक्योरिटी प्लान भी है। अगर हम इस बिजनेस में अगर शुरुआती में मेहनत कर दिए और आगे चल के अगर हम अगर मान लीजिए इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारा ये जो कमीशन है हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। और इस बिजनेस में हम तो मम्मी के कोड पर आईडी लगाए चुकी, जब सर बताने आए थे तो उस समय हमारा एज जो 17 साल हो रहा था, आईडी लगा लिए लगभग 1 साल तक हम कुछ नहीं किए। जब जैसे दिनेश चौधरी का मीटिंग सुने मतलब शरीर से लग रहा था एकदम आग निकल रहा कि किसको एकदम जैसे मीटिंग से निकले लगता है रोड पर देखे गिर तो लगता थोड़े जोड़ दो मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं किसी भी प्रकार से इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ना, इस सिस्टम को हम बरकरार रखे और भगवान दुआ से और अपलाइन की दुआ से और डाउनलाइन की कृपा से हम इस बिजनेस में भी चलते रहे। बहुत लोग आए लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको सुख लेना है तो पहले दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि
अगर आप सुख को अगर दुख सॉरी दुख को अगर आप सहते हैं तभी आप किसी को सुख का मजा बता सकते हो। तो काटा तो पहले लीजिए, स्टार्टिंग में आपको बहुत लोगों से बचना होगा, बचाना होगा। जिस तरह से जब हम पेड़ को रोकते हैं तो बहुत सारे लोग जानवर भी आते हैं उसको खाते हैं, बहुत सारे दरिंदे भी आते हैं कि उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन उसका जो माली होता है उसको बचाने का काम करता है। सेम वही कंडीशन हमारे अपलाइन का होता है, जो माता पिता की जैसे हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, हमें एक नए पथ पर अग्रसर करते हैं और हमारे लिए मोटिवेटर के काम है। और इस बिजनेस में इस विजन यही है कि कंपनी का तो बिजनेस विजन है कि जिस प्रकार से मार्केट में अगर प्रोडक्ट आ रहा तो उसी प्रकार से हम कस्टमर को सुविधा दें। अगर जिस कोरोना काल में क्या हुआ, सारी कंपनी ने मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, उसी थ्रू से हमारा कंपनी भी मास्क बनाना स्टार्ट करेगी। हमारे अनेक मार्केट में डिमांड हो रहा था कि तुलसी है इसमें, तो हमारा भी सिस्टम तुलसी ला दिया। एलोवेरा था इसने भी एलोवेरा ला दिया, मतलब उसका तो विजन क्लियर है कि जिस प्रकार से मार्केट की प्रतिस्पर्धा रहेगी हमारा भी कंपनी उसी प्रतिस्पर्धा से आगे चलेगी। लेकिन हमारा टारगेट है इस बिजनेस में प्रतिद्वंदी भी होना जरूरी है। विदाउट कॉम्पिटिशन हैव नॉट गोइंग इन योर हाइयर पैथ, आप बिना कंपटीशन के आप एक ऊंचे रास्ते पर नहीं जा सकते, इसलिए आपको कंपटीशन होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा तो हमको भी आगे बढ़ना, लेकिन एक प्रकार से फ्रेंडली तौर पर। क्यों हम लोग बिजनेस में तीन को अचीव करते हैं, अगर वो व्यक्ति इस महीना अगर 70 को पकड़ा तो अगला महीना एक जो भी है ईगल जो भी हो पकड़ते हैं। बिजनेस में कॉम्पिटिशन होनी चाहिए, बिना कॉम्पिटिशन के आप आगे बढ़ नहीं सकते। और यही कॉम्पिटिशन, और एक पुस्तक में पढ़े हैं कि सफलता किसको कहते हैं, सफलता वो होती है जो किसी दूसरे पर हम आश्रित नहीं रहते बल्कि किसी दूसरे पर, मतलब वो आगे बढ़ गया है तो हमको भी उस तरह से जाना। सफलता वो होती है जो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता। अगर इस बिजनेस अगर हम 70 का बिजनेस दिए हैं तो प्रयास करना है अगला महीना 70,001 का दे, अगला महीना प्रयास करना है 70,002 का दे, ये रिकॉर्ड होता है। अगर इसी रिकॉर्ड को आप अगर बनाना सीखिए तोड़ना सीखिए तो जीवन में एक ना एक दिन आप जो टारगेट आपका है जरूर अचीव कर लीजिए। मैच आईपीएल में देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर इस बार अगर 100 रन मारा है तो चाहता है कि हम 101 रन मारें, वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है। इसी तरह से इस बिजनेस में भी आप आगे बढ़ते रहिए और अपलाइन जो होते हैं उनका बहुत गाइडलाइन जरूरी है। जिस प्रकार से कहा जाता है अगर इस कलम में अगर कॉपी अगर ये हरा गया तो ये कलम अधूरा हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे शर्ट में ये जो कपड़ा है अगर बटन नहीं रहे तो कपड़ा भी अधूरा है। इसी प्रकार से हमारे टीम के लिए अपलाइन बहुत ही जरूरी है और उनका उंगली हमेशा पकड़ के चलना चाहिए क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं। रास्ता इसलिए क्योंकि वो पहले दुख वाले रास्ता से चल चुके हैं और ये हमें बताते हैं कि आप किस प्रकार से सुख के रास्ते चल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। बस हम इन्हीं बातों से हम अपने आप को देखते हैं।